ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲਿਕ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਲਿਕ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। माननीय मोदी जी, माननीय जेटली जी, माननीय कमल शर्मा जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को ये एक बहुत बड़ा दायित्व दिया है, तो मेरा हमेशा एक मत रहा कि जो दायित्व संगठन देता है तो जो अपेक्षा है संगठन की, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में मैंने अपना काम शुरू किया था बचपन में, और एक ही जो अपेक्षा रहती है कि जहाँ भी स्वयंसेवक काम करे एक डिफरेंस नज़र आना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो या कोई और क्षेत्र हो, शिक्षा हो। तो मेरा प्रयास रहता है कि यथासंभव मैं वो अपेक्षा को पूरा करूं, क्योंकि आज अमृतसर में एक भीषण समस्या है कि जो सिटिंग MP हैं वो इनविजिबल है। ही हैजंट विजिटेड द सिटी फॉर द लास्ट 2 ईयर। मेरा ख्याल शायद ये मजाक लगेगा आपको कि मोदी जी ज़्यादा विजिट कर गए MP साहब से, और उनकी जो संसद में भी प्रेजेंस है वो भी बहुत कम है। तो सबसे पहले तो वो वैक्यूम भरना होगा, उसके बाद पंजाब संबंधित, क्योंकि मोदी जी ने बहुत समस्याएं जन कल्याण की जो हैं वो शुरू की हैं, पर वो पूर्ति तब होगी कि वो जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ पंजाब के हर निवासी को घर तक पहुँचे। हमारे अमृतसर के पूर्व मेयर और हमारे साथी श्री श्वेत मलिक जी को पंजाब से जो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी उसके लिए नामांकित किया, और आज हमारे सब इम्पॉर्टेंट जो लीडर्स थे, विधायक, मंत्री, हमारे इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स, हमारे कोर ग्रुप के मेंबर्स, उन सब ने श्वेत जी के साथ जाकर नामांकन पत्र दाखिल किया। मैं धन्यवादी हूँ मुख्यमंत्री सदा प्रकाश सिंह बादल साहब का, और मैं मानता हूँ कि मेयर के नाते जो अमृतसर का इनका कार्यकाल रहा है वो लोग आज भी याद करते हैं। एक कर्मठ एडमिनिस्ट्रेटर के नाते बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से इन्होंने अपना वो कार्यकाल पूरा किया था, और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यसभा के इनका ये जो कार्यकाल है वो पार्टी के लिए और प्रदेश के लिए बहुत अच्छा साबित।